नमस्ते बच्चों, मैं आज आपके सामने एक नए पाठ के साथ प्रस्तुत हूँ। मैं आप सभी का श्रीमा ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करती हूँ। बच्चों, मैं आप सभी का आपकी हिंदी की पाठशाला में भी स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, कुछ भी शुरू करने से पहले चलिए मैं आपको कुछ चित्र दिखाती हूँ। ये चित्र आपको, इस चित्र को देखकर क्या लगता है, ये क्या है? चलिए, अच्छा दूसरा चित्र देखते हैं। इस चित्र को देख के बताइए। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब बताइए ये किसका चित्र है? इसमें भी आपको समझ में नहीं आ रहा, या फिर आप समझ चुके हैं कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ? मैं आपको यहाँ पर तरह तरह की पगड़ी दिखा रही हूँ। पगड़ी हम सब अपने माथे पे, सिर पे पहनते हैं। पगड़ी हमारे हिंदुस्तानी वेशभूषा का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। जैसे कि राजस्थान, मारवाड़ी जगहों पर हम सब सरदारों में, पंजाबियों में हम सब पगड़ी पहनते हैं, ठीक है? और या फिर जब शादी होती है तो आपने शादी में देखा होगा कि दूल्हे भी अपने सिर पर पगड़ी धारण करते हैं। पगड़ी हमारा मान होता है, ठीक है? और ये हमेशा हमारे सिर की शोभा बढ़ाता है। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो इसी से संबंधित है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आज हम पढ़ रहे हैं पाठ 10, पगड़ी। बच्चों, जो ये कविता है ये पगड़ी से संबंधित है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैली पगड़ी इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी। मैली पगड़ी इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, रह गया मैल, ना रह गई पगड़ी। हट्टी कट्टी मोटी तगड़ी, मलकिन झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, तर गया मैल और तर गई पगड़ी। बच्चों, हंसी आई ना सुन के कविता? चलिए एक बार दोबारा पढ़ेंगे। मैली पगड़ी इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, रह गया मैल, ना रह गई पगड़ी। हट्टी खट्टी मोटी तगड़ी, मलकिन झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, तर गया मैल और तर गई पगड़ी। समझ में आया बच्चों? मतलब मैली, जब कपड़े गंदे हो जाते तो हम उन्हें रगड़ते हैं ना साबुन से, सर्फ से। तो मालकी ने भी अपनी पगड़ी धोने के लिए दी रामू काका को, और रामू काका ने उसको इतना रगड़ा, इतना रगड़ा, इतना रगड़ा, पर मैल तो रह गई, पगड़ी फट गई। तो वो मालकिन थी, जो कि हट्टी कट्टी मोटी तगड़ी सी जो मालकिन थी, उसे यह देख के गुस्सा आ गया। वो उससे इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी कि ना तो मैल ही रहा और ना ही पगड़ी, ठीक है? तो इसका मतलब यही है कि पगड़ी को धोते धोते ना तो पगड़ी फट गई, तो ना ही मैल ही निकला और ना ही पगड़ी साबुत बची, इतनी गंदी थी वो, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इस कविता को आपने बच्चों पढ़ना है इसे, ठीक है? और अपने आसपास
लोगों को खूब जोर जोर से सुनाना है, ठीक है? अपने दादा दादी को, जो भी आपको सुना, आप जिनको सुनाना चाहते हैं, आपको ये पोएम सुनाने हैं और अपने से बड़ों को ये पोएम सुनानी है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पेज में। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, मालकिन ने मैली पगड़ी खूब रगड़ी, तुम इन चीज़ों को किससे साफ करोगे? अब यहाँ पे कागज, बर्तन, पत्ते, जूते और दांत, इन सब चीज़ों को हम किससे साफ करते हैं, बताइए। चलिए कागज़ से शुरू करते हैं। कागज़ को तो हम साफ करते हैं रबड़ से। आप सब जब कागज़ पे पेंसिल से कुछ भी लिखते हैं तो उससे किसे साफ करते हैं? रबड़ से। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? रबड़, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बर्तनों को। बर्तन को तो हम साबुन से साफ करते हैं। पत्तों को आप किससे साफ करना चाहेंगे? पत्तों को तो हम गीले पानी से भी धोकर साफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? पत्तों में पानी। और जूतों को, जूतों को हम कपड़े से या फिर ब्रश, जो जूतों का साफ करने का ब्रश अलग से आता है ना, हम ब्रश से साफ करेंगे अपने जूतों को। और दांतों को, दांतों को भी हम ब्रश से ही साफ करेंगे, ठीक है। तो जूते साफ करने का ब्रश अलग होता है और दांत साफ करने का ब्रश अलग होता है, ठीक है बच्चों? आपको यहाँ पे इन सब चीज़ों के लिखना है। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है, पगड़ी को खूब रगड़ा तो पगड़ी फट गई, बताओ इनको खूब रगड़ोगे तो क्या होगा? अगर हम कागज, पहला पहला है फिर से कागज, तो अगर हम कागज को रगड़ेंगे तो ये फट जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? फट जाएगा, ठीक है। बर्तनों को ज़्यादा रगड़ेंगे तो वो चमक जाएंगे, क्या होंगे? चमक जाएंगे। जूतों को भी रगड़ेंगे तो चमक जाएंगे। स्वेटर को रगड़ेंगे तो फट जाएगा और फर्श को रगड़ेंगे तो वो भी चमक जाएगा। तो आपने इसमें भी इस प्रकार से ही लिखना है। तो बच्चों आज का कार्य यही है कि आपको इस पोयम को पढ़ना है और इसे याद करना है, ठीक है। और इसे आपको अपनी कॉपी में भी आज की डेट, पाठ 10 पगड़ी करके इसको आपको अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है। और अगर आप चाहें तो आप अपनी मनपसंद पगड़ी की फ़ोटो भी उसमें बना सकते हैं। और आपको अपनी बुक का ये पूरा काम दोनों करने हैं पेंसिल से अपनी रिमझिम की किताब में। अगली वीडियो में हम और आगे के काम के साथ मिलेंगे। आपको फ़िलहाल ये काम पूरा करना है। साई राम।